everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. And our this video is related to Jurisprudence 1. And today we will discuss the schools of jurisprudence. तो schools किसे कहते हैं? एक विचारधारा या ideology को follow करने वाले अनुयायी वर्ग या group को हम school कहते हैं. और इसी तरह jurisprudence में भी कई अनुयायी वर्ग हैं. और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, हिंदी में जिसे हम विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र भी कहते हैं. तो एनालिटिकल स्कूल क्या है? विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र विधि को किस तरीके से देखता है? पॉजिटिव स्कूल के फिलोसोफर्स लॉ किसे कहते हैं? जैसे कि नेचुरल लॉ स्कूल के फिलोसोफर्स ईश्वर के बनाए नियमों या सिद्धांतों को लॉ मानते थे, वैसे ही पॉजिटिव लॉ स्कूल में किन नॉर्म्स को लॉ कहा जाता है. सो इन शॉर्ट हम एनालिटिकल स्कूल की फिलॉसफी इस वीडियो में पढ़ेंगे. द फर्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन. शुरुआत कहाँ से हुई एनालिटिकल स्कूल की? क्योंकि पहले तो सब लॉज मेड बाय गॉड पर बिलीव करते थे. तो सबसे पहले बेंथम, जो कि इंग्लिश फिलॉसफर थे, उन्होंने बात की एनालिटिकल स्कूल की. लेकिन जो भी उन्होंने फिलॉसफी ऑफ लॉ पर काम किया वो 1945 तक पब्लिश नहीं हो पाया. और जॉन ऑस्टिन जो प्रोफेसर थे लंदन यूनिवर्सिटी में, 1832 में उन्होंने पॉजिटिव लॉ यानी कि प्रत्यक्षवाद कानून पर एक बुक लिखी जिसे हम आज जानते हैं द प्रोविंसी ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस डिटरमाइंड के नाम से. तो वैसे तो फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिसप्रूडेंस जॉन ऑस्टिन को कहा जाता है, लेकिन बेंथम ने इसकी शुरुआत की सबसे पहले. और जॉन ऑस्टिन ने बेंथम के वर्क को ही कैरी फॉरवर्ड किया है, इसीलिए फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल का टाइटल बेंथम को मिलना चाहिए. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हाई डू वी कॉल इट इम्पेरेटिव और एनालिटिकल और पॉजिटिव स्कूल? तो हम इस विचारधारा को आदेशात्मक सिद्धांत, विश्लेषणात्मक या प्रमाणवादी विचारधारा क्यों कहते हैं? सो अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर्स ऑफ एनालिटिकल स्कूल, लॉ एक कमांड है, एक आदेश है जो हमें फॉलो करना पड़ता है. और ये कमांड कौन देता है? ये कमांड देता है स्टेट. स्टेट हियर मीन्स एनी गवर्नमेंट और किंग या फिर और कोई सुपीरियर अथॉरिटी जिसके पास पावर हो लोगों को कंट्रोल करने की. जैसे आज हम गवर्नमेंट के बनाए लॉज को फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स ब्रेक मत करो, ये गवर्नमेंट का रूल है. तो ट्रैफिक रूल्स गवर्नमेंट का आदेश है, एक कमांड है गवर्नमेंट की. तो क्योंकि ये स्कूल हमें लॉ और स्टेट के रिलेशन के बारे में बताता है, इसीलिए इसे इम्पेरेटिव स्कूल या आदेशात्मक सिद्धांत की विचारधारा भी कहते हैं. और इसे एनालिटिकल स्कूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एनालिटिकल स्कूल हमें लॉज के बेसिक कंसेप्ट्स को लॉजिकली एनालाइज करने में हेल्प करता है. एंड वी कॉल इट पॉजिटिव स्कूल बिकॉज पॉजिटम की बात करता है ये स्कूल. पॉजिटम हियर मीन्स एज इट इज़, यानी कि लॉ जैसा है, लॉ कैसा होना चाहिए, लॉ कैसा था, इस बारे में एनालिटिकल स्कूल बात नहीं करता. और क्योंकि ये इंग्लैंड में ज़्यादा प्रचलित था, इसीलिए इसे इंग्लिश स्कूल भी कहते हैं. एंड वी समटाइम्स कॉल इट ऑस्ट्रेलियन स्कूल क्योंकि इसे ऑस्टिन ने इस्टेब्लिश किया था. तो अब बात करते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे. फॉर व्हाट एनालिटिकल स्कूल टॉक्स अबाउट? तो एनालिटिकल स्कूल किस बारे में बात करता है? एनालिटिकल स्कूल लॉ के बारे में क्या कहता है? एनालिटिकल स्कूल के लिए लॉ क्या है? जैसे नेचुरल लॉ के लिए, नेचुरल लॉ के फिलोसोफर्स के लिए मॉरल प्रिंसिपल्स या रूल्स मेड बाय गॉड को लॉ मानते थे. उसके बिल्कुल अपोजिट एनालिटिकल स्कूल की थ्योरी है ह्यूमन मेड लॉज, जो लॉ इंसान ने बनाए जैसे कि स्टैट्यूटरी लॉ, उनको लॉ माना जाता है एनालिटिकल स्कूल में. तो नेचुरल लॉ थ्योरी कहती है कि गॉड के बनाए लॉज सुपीरियर हैं, उनसे ऊपर कोई लॉ नहीं है. नेचुरल लॉ थ्योरी में मॉरल्स और प्रिंसिपल को लॉ माना जाता है. लेकिन एनालिटिकल स्कूल की थ्योरी कहती है कि जो
लॉज गवर्नमेंट बनाती है, सिर्फ वही लॉज होते हैं। और गवर्नमेंट जब लॉ बनाती है तो वो लॉज को एज अ कमांड इम्पोज करती है लोगों के ऊपर। और गवर्नमेंट या किसी सुपीरियर अथॉरिटी की इसी कमांड को जब सब लोग पनिशमेंट या सैंक्शन के डर से ओबे करते हैं या इसका पालन करते हैं, तो इसी को एनालिटिकल थ्योरी ऑफ लॉ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट रूल बनाती है कि अगर कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो उसको 2,000 रुपये का जुर्माना या फाइन देना होगा, या फिर कोई इनकम टैक्स की चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे 1 महीने की सज़ा होगी। तो यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स या इनकम टैक्स देने का रूल क्या है? गवर्नमेंट की कमांड है। गवर्नमेंट या स्टेट या सॉवरेन, जिसे हम संप्रभु राज्य भी कहते हैं, लॉ उसका आदेश है और इस आदेश का पालन हम सज़ा के डर से या किसी तरह की सैंक्शन जैसे कि जुर्माना या जेल के डर से करते हैं। तो एनालिटिकल स्कूल लॉ जैसे कि है उनको एनालाइज करने की बात करता है। जैसे कि चीटिंग या थेफ्ट का कानून बनाया गया, तो चीटिंग और थेफ्ट का कानून जैसा है उसे हम वैसा ही पढ़ेंगे और वैसा ही अप्लाई करेंगे। चोरी और धोखाधड़ी का कानून कैसा होना चाहिए, इसके बारे में एनालिटिकल स्कूल बात नहीं करता। जैसे और भी एग्जाम्पल से आप अगर समझे तो क्या डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इन क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं करता एनालिटिकल स्कूल। लेकिन एनालिटिकल स्कूल की थ्योरी कहती है अगर स्टेट या गवर्नमेंट डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट देती है किसी क्राइम में तो वो लागू होनी चाहिए। तो एनालिटिकल स्कूल ने मोरालिटी और रिलीजन को लॉ से अलग किया। जैसे कि हिंदू वेदास या धर्मशास्त्र में जिनमें रिलीजन के अकॉर्डिंग रूल्स बनाए थे ह्यूमन बिहेवियर को कंडक्ट करने के लिए, ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ को लॉ से अलग किया है एनालिटिकल स्कूल ने। क्योंकि एनालिटिकल स्कूल ने स्टेट और सुपीरियर अथॉरिटी के रूल्स को लॉ बताया है। तो एनालिटिकल स्कूल लॉ के हिस्टोरिकल ओरिजिन की बात नहीं करता। जैसे कोई लॉ क्यों बनाया गया, पहले लॉ क्या था, अब लॉ क्या है, मीन्स लॉ के इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री को एनालाइज नहीं करता एनालिटिकल स्कूल। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट ऑल्सो कंसर्न मेनली विद द एनालिसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सिविल लॉ। एनालिटिकल स्कूल सिर्फ सिविल लॉ यानी कि लॉ ऑफ द लैंड की बात करता है, यानी कि जो लॉज किसी कंट्री की गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं सिर्फ उनको एनालाइज करता है एनालिटिकल स्कूल। किसी कंट्री में क्या रूल्स या रेगुलेशंस हैं और कैसे उन रूल्स और रेगुलेशंस को लॉ फॉलो करते हैं और कैसे जस्टिस सर्व किया जाता है, इन सब के रिलेशन और इन सब के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की बात करता है एनालिटिकल स्कूल। इट ऑल्सो फेवर्स कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। तो जब कोई गवर्नमेंट लॉ बनाएगी उसको कोडिफाई भी तो करेगी, यानी कि रिटन में लॉज को रखेगी। कोडिफिकेशन कितना ज़रूरी है ये तो हम सब जानते हैं कि एक वर्ड की वजह से कोई क्रिमिनल बच के निकल जाता है अगर लॉज को ठीक से कोडिफाई नहीं किया गया हो। तो बेसिकली दो पॉइंट्स पर बेस्ड है एनालिटिकल स्कूल की थ्योरी। द फर्स्ट वन इज कि लॉज एक सुपीरियर अथॉरिटी या सॉवरेन स्टेट, जिसे हम हिंदी में संप्रभु राज्य कहते हैं, उसका आदेश है। एंड द सेकेंड इज ये सैंक्शंस के फोर्स के थ्रू अप्लाई किए जाते हैं, यानी कि बलपूर्वक या किसी प्रेशर से ये लॉज अप्लाई किए जाते हैं। तो एनालिटिकल स्कूल की थ्योरी एवरीडे लाइफ से जुड़ी हुई है। जैसे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रूल्स होते हैं कि पार्किंग के रूल्स अगर हम फॉलो नहीं करते तो वो हमारा व्हीकल जब्त कर लेते हैं, या फिर बस में बिना टिकट ट्रैवल करने के लिए भी हमें फ़ाइन देना पड़ता है। तो एनालिटिकल स्कूल एग्जामिन करता है, स्क्रूटनिटी करता है लॉज की कि लॉज क्या है। द लॉ यानी कि किसी पर्टिकुलर, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ या किसी स्पेसिफिक लॉ को एनालाइज करता है। पावर या स्टेट और लॉ में क्या रिलेशन है, इन सब क्वेश्चंस को
फॉलो करती है एनालिटिकल स्कूल की थ्योरी. सो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड मोरालिटी? इस तरीके के क्वेश्चंस एनालिटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस में इम्पॉर्टेंट हैं. नाउ द चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ एनालिटिकल स्कूल, द फर्स्ट वन इज जेरेमी बेंथम, जिन्होंने हमें यूटिलिटेरियन थ्योरी दी. द सेकेंड इज जॉन ऑस्टिन, कमांड थ्योरी हम पढ़ेंगे इनकी नेक्स्ट वीडियो में. मार्क बी. फोर्थ इज हॉलैंड, हॉलैंड ने प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स की बात कही है. हॉफेल्ड, हॉफेल्ड ने हमें राइट और ड्यूटीज़ की थ्योरी समझाई है. द सिक्स्थ मेन इज केल्सन्स थ्योरी, जिन्होंने ग्रंड नॉर्म थ्योरी दी है. तो इन सब की थ्योरी हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियोज़ में. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू स्कोप ऑफ एनालिटिकल स्कूल, विश्लेषणात्मक विचारधारा का कितना विस्तार है. तो सबसे पहले एनालिटिकल स्कूल इन्वेस्टिगेट करता है लीगल सिस्टम और लीगल कंसेप्ट्स को, जैसे कि लीगल राइट्स या ड्यूटीज़ हैं, किसी कंट्री का लीगल सिस्टम कैसा है. द सेकेंड पॉइंट इज रिलेशन बिटवीन सिविल लॉ एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लॉ, यानी कि कंट्री के लॉज या बाकी लॉज जैसे कि इंटरनेशनल लॉ है, किसी इन दोनों को कैसे अप्लाई किया जाता है, किसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है. द थर्ड पॉइंट इज लीगल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. तो किसी कंट्री में कैसे लॉज अप्लाई होते हैं, थ्रू सैंक्शंस लॉ अप्लाई किए जाते हैं या फिर लोग खुद से लॉ ओबे करते हैं, और जस्टिस सर्व करने के क्या क्या मीडियम है किसी कंट्री में. द फोर्थ इज सोर्सेज ऑफ लॉ की इन्वेस्टिगेशन, के लॉज किसी सुपीरियर अथॉरिटी ने बनाए या जजेस मेड लॉज फॉलो किए जाते हैं किसी कंट्री में, जैसे कि इंग्लैंड में कॉमन लॉ फॉलो किया जाता है. तो किन केसेस में सिविल लायबिलिटी बनती है और किन केसेस में क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है, ये सब लॉज को एनालाइज और एग्जामिन करके ही पता चलता है. इसीलिए एनालिटिकल स्कूल की स्टडी ज़रूरी है. नाउ द क्रिटिसिज्म ऑफ एनालिटिकल स्कूल. तो अब थोड़ा क्रिटिसाइज कर लेते हैं, थोड़ी आलोचना कर लेते हैं एनालिटिकल थ्योरी की. तो एनालिटिकल स्कूल बात करता है लॉ एज इट इज़ की, यानी कि जैसा कि लॉ है वैसा ही फॉलो किया जाना चाहिए. लॉ ऑट टू बी की बात नहीं करता एनालिटिकल स्कूल. तो लॉज को और बेहतर बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम लॉ कैसा होना चाहिए इस पर भी विचार की. देन नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिटिकल स्कूल सिर्फ मैच्योर्ड लीगल सिस्टम की बात करता है, जहाँ ऑलरेडी सिविलाइज्ड है सब कुछ, जहाँ लॉज ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, लेकिन सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग लॉज में चेंजेस लाने पड़ते हैं. तो एनालिटिकल स्कूल लॉ कैसा होना चाहिए इसकी बात ही नहीं करता, तो ये एक ड्रॉबैक है. द नेक्स्ट इज क्योंकि मॉरल और वैल्यूज़ की बात नहीं करता एनालिटिकल स्कूल, इसीलिए सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स मिस हो जाते हैं इस थ्योरी में, जबकि मॉडर्न टाइम में सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसिडर करना ज़रूरी है. तो सिर्फ सॉवरन से ही लॉज नहीं बनते. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिटिकल स्कूल डज नॉट इंक्लूड कस्टमरी लॉ, इंटरनेशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. तो क्योंकि कस्टमरी लॉ में कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं होती, जो रूल्स सब सहमति से बनाते हैं उनको ही सब एज अ लॉ फॉलो करते हैं, और इंटरनेशनल लॉ में भी क्योंकि कोई पनिशमेंट या सेंक्शंस नहीं होती, तो वहाँ भी सब कंट्रीज मिलकर ट्रीटी साइन करती हैं, और अगर कोई सेंक्शन होती भी है तो कम सेंक्शंस होती हैं, जैसे कि इकोनॉमिकल सेंक्शंस, और ना ही यहाँ कोई सॉवरेन होता है. तो इंटरनेशनल लॉ, कस्टमरी लॉ आर आउट ऑफ द परव्यू ऑफ एनालिटिकल स्कूल. तो एनालिटिकल स्कूल में कस्टमरी लॉ और इंटरनेशनल लॉ की कोई जगह नहीं है. नाउ एनालिटिकल लॉ थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई लॉ ब्रेक करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है, और बाय फियर ऑफ पनिशमेंट लॉज को अप्लाई किया जाता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लॉज पीसफुली ब्रेक किए जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट करना. तो इस तरीके के लॉ तोड़ने के एक्शन का कोई आर्ग्यूमेंट या पक्ष नहीं देती एनालिटिकल
theory. The next point is, all laws are not necessarily commands. जैसे कि कुछ लॉ सिर्फ अर्लियर लॉज को रिपील करने के लिए बनाए जाते हैं और कुछ लॉ डिक्लेरेटरी लॉज होते हैं, जैसे कि राइट टू वोट है, आप वोट डालने जाएं या ना जाएं, कोई पनिशमेंट नहीं है इसके लिए. और एक राइट है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन है, ये भी डिक्लेरेटरी लॉ की तरह है. आप बच्चे को स्कूल भेजो या ना भेजो, कोई सेंक्शन या फाइन नहीं है अगर पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते बच्चे को. तो ऐसे केसेस में एनालिटिकल लॉ थ्योरी फेल हो जाती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज डिसरिगार्ड्स मॉरल एलिमेंट्स. एनालिटिकल लॉ स्कूल के अकॉर्डिंग अगर कोई लॉ अनजस्ट है तब भी फॉलो या ओबे करना पड़ेगा. जैसे कि सऊदी अरेबिया में चोर के हाथ ही काट दिए जाते हैं, जो एक तरीके से देखा जाए तो अनजस्ट है, क्योंकि जिन हाथों से वो कमाता और अपनी लाइवलीहुड के लिए वो अर्न कर सकता था वही उससे छीन लिया. सो इट इज़ अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स. तो ऐसे अनजस्ट लॉ भी ओबे करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू एनालिटिकल स्कूल. एनालिटिकल स्कूल सिर्फ प्रेजेंट लॉ की बात करता है, लॉ में क्या चेंजेस आने चाहिए इस बारे में एनालिटिकल स्कूल बात नहीं करता. इसकी बारे में एनालिटिकल स्कूल में कुछ नहीं मिलता हमें पढ़ने के लिए, जबकि सोसाइटी की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग लॉज बदलने पड़ते हैं और बदलते भी हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनालिटिकल स्कूल. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ऑस्टिन की थ्योरी पढ़ेंगे. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो. And thank you so much for watching. Till then, study hard.